आपके साथ अलका। अरवल के मेहंदिया थाना के NH 139 के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि घायल युवक की पहचान वसंत कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों ने उसे पटना के PMCH रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद NH 139 पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक से दीघा के बीच सरकार ने जिससे 4 लेन सड़क का निर्माण कराया, उस पर हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। अटल पथ पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब नई जगहों पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में अटल पथ हाईवे का एक लेन आज यानी बुधवार से 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। दीघा की तरफ से आर ब्लॉक की ओर आने वाली गाड़ियां पाटलिपुत्र स्थित पानी टंकी के पास से सर्विस लेन में डाइवर्ट कर दी जाएंगी। इन गाड़ियों को हाईवे पर चढ़ने के लिए पुनाईचक पंप हाउस के पास काट दिया जाएगा। अटल पथ पर लगाए गए डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी इससे जुड़ी सूचना प्रसारित की जाएगी। टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य किए जाने के बाद लापरवाह लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले दिन पटना के दीदारगंज टोल प्लाजा पर लगभग 3500 गाड़ियों ने दोगुना टोल टैक्स दिया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि दीदारगंज टोल प्लाजा पर लगभग 1000 गाड़ियों में फास्टैग भी लगाए गए थे। आपको बता दें कि देश भर में अब फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग लगाने वाली गाड़ियों को टोल प्लाजा पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना पड़ता है। फास्टैग लगे होने के कारण उसमें जमा राशि खुद ब खुद टोल प्लाजा से कट जाती है। कोरोना संक्रमण के दौर में पटना के बड़े सरकारी अस्पताल IGIMS में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को पहले आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ता था, वहीं अब IGIMS के आइसोलेशन वार्ड को बंद कर दिया गया है। मरीजों को इलाज के लिए आने पर अब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। OPD में जाते ही मरीजों की कोरोना जांच हो जाएगी। वहीं IGIMS प्रबंधन ने OPD में इलाज के लिए आने वाले ऐसे मरीज जिनको भर्ती की जरूरत होगी उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखने की बजाय कोरोना टेस्ट के बाद रिपोर्ट के आधार पर भर्ती कराने या आगे का इलाज कराने के लिए एडमिट लिया जाएगा। यह व्यवस्था बुधवार यानी आज से लागू हो जाएगी। वहीं पटना में मूर्ति विसर्जन के लिए गंगा के प्रमुख घाटों पर 22 मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने बुधवार की शाम तक हर हाल में पूजा समितियों को मूर्ति विसर्जित करने का निर्देश दिया है। हालांकि इस बार नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है। वहीं मूर्ति विसर्जन के लिए गंगा के किनारे ही कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जहां समिति के लोग विसर्जन कर सकते हैं। वैसे तो पटना के सभी घाटों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन वैसी जगहों पर पुलिस अलर्ट रहेगी जहां अधिक संख्या में मूर्ति विसर्जन होता है। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन के दौरान अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो उस पर केस भी दर्ज किया जाएगा। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इस न्यूज के साथ। नमस्कार।